दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक सिंपल मैन से बहुत बड़ा रिच मैन बन सकते हो, कैसे आप एक सिंपल बिजनेस को बहुत बड़े मॉडल पे लेके जा सकते हो। देखने में सुनने में ये सिंपल लगता है लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बिजनेस है। अगर आप इसमें घुसेंगे तो आपको बहुत कम मुनाफा लगेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप कर सकते हैं। क्या है वो बिज़नेस, चलिए जान लेते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए, क्या बिज़नेस है? आपको सुन के सिंपल लगेगा लेकिन आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि कार्तिक भाई जो बताया है क्या वो वाकई किया जा सकता है और उस तरीके से पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं बताऊँगा टी शॉप के बारे में, मतलब कि चाय के बिज़नेस के बारे में। चाय के बिज़नेस, आप बोलो कार्तिक भाई ये तो बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल सिंपल है। चाय क्या जो चायोस है वो चाय नहीं बेचता है क्यों भाई साहब? चाय सुट्टा बार जो है क्या वो चाय नहीं बेचता है? नेस्कैफे जो है वही तो एक चाय का क्वालिटी हुआ, कहाँ से पहुँचा? जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो इंडिया में पहुँच गया। कैसा ये बिज़नेस हुआ, मतलब कैसे ये संभव हुआ, वो है कि स्ट्रेटेजी, वो है कि विज़न। तो आपको उसी तरीके से सोचना है। आप अगर चाहते हैं कि आप कुछ काम नहीं आपको मिल रहा है, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये बेटर बिज़नेस है और ये आप कर सकते हैं, क्योंकि चाय का बिज़नेस कोई भी शुरू कर सकते हैं और इसका जो लागत है वो बहुत ही कम है। तो चलिए इसका जो पहले मान ले इसका पहले मार्केट का टेस्ट क्या है वो जान लेते हैं, मतलब मार्केट क्या कहता है। देखिए चाय का रिक्वायरमेंट इंडिया में कम से कम 90% आसपास के लोगों, जहां तक मैं समझता हूं 90% आसपास के लोग चाय पीते हैं, कभी ना कभी पिया है। कुछ लोगों का तो आदत लग गया है, दिन में दो कप चाय नहीं पियेंगे तो उसका काम नहीं चलेगा। कुछ का और भी ज़्यादा होता है और कुछ ने कम भी पीते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो चाय नहीं पिया है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो चाय का जो बिज़नेस है ये बहुत बड़ा मार्केट है और ये रेडी मार्केट है, आपको कुछ अलग तरीके से करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें आप अगर कुछ अलग कर पाएंगे तो आप भी चाय बन सकते हैं और चाय सुट्टा बार बन सकते हैं और भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं, तो आप नेस्कैफे बन सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं। पहले इसका आपने तो फ्यूचर जान लिया कि इसका फ्यूचर जो है ये बहुत ब्राइट है और इस बिज़नेस को घुसा जा सकता है, क्योंकि चाय जो है कोई भी बना सकता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि किसी भी बिज़नेस का एक ही रूल होता है और वो मैं हमेशा कहता हूँ, आपके पास कस्टमर क्यों आएगा, मेन रीज़न क्यों आएगा कस्टमर, आपके पास कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आप चाय बनाएंगे, ठीक है, देखने में सिंपल है लेकिन उसमें कुछ यूनिक क्वालिटी कर सकते हैं क्या? पहले आप चाय बनाइए, फिर अपने दोस्तों को खिलाइए और रिश्तेदारों को खिलाइए, घर में खिलाइए, क्योंकि बाहर का लोग फिर भी कम कहेंगे, दोस्त को खिलाएंगे तो वो जो सच्चे दोस्त है वो बताएंगे कि देख तेरा ये इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको ऐसा कुछ सही करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए आपको कुछ यूनिक क्वालिटी से चाय बनाना है जिसके खुशबू से आपके पास लोग आए। क्योंकि मैं जब बाहर था, मैं आपको बता चुका था कि गोल्ड के काम में मैं पहले बेंगलोर में था, तो उस जगह पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो हमारा जो गोल्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग हाउस है उसमें दो चाय वाले आते थे। पहले एक चाय वाला था बहुत पुराना, उसी के पास से सब लोग चाय पीते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, एक नया चाय वाला आया, उससे कम रेट में देने लगा, लेकिन कुछ दिन पीने के बाद लोग उनके पास चाय पीना थोड़ा सा कम करते गया, फिर से वो पुराने वाले के पास चला गया। ये रीज़न है क्यों पुराने वाले के पास चाय का एक अलग खुशबू है, ठीक है, और जो नए हैं उनके पास उतना खास नहीं था। तो इसीलिए क्या हुआ,
पुराने वाले के पास जो खुशबू है, मतलब हम लोग जो भी चीज़ें खाते हैं पीते हैं सब लोग पहले खुशबू से खाते हैं या पीते हैं और बाद में हम ज़ुबान पे खाते हैं, ठीक है कि नहीं, सही बताया। तो उस हिसाब से आपको एक बहुत बढ़िया टेस्टफुल चाय बनाना है ताकि आपके पास कस्टमर खींचा चला आए। आप बढ़ते हैं, कस्टमर को आप कैसे रोक के रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास शुरुआत में कम कस्टमर आए लेकिन जितना कस्टमर आए वो कम से कम 10 मिनट वहाँ पर बैठे चाय पीने के बहाने कुछ बातें सातें करे। कहते हैं ना, एक से दो, दो से पाँच, पाँच से दस, दस से सौ और सौ से हज़ार भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, उसको रोक के रखने के लिए कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि सीटिंग क्वालिटी आपको बढ़िया रखना है, ठीक है। बढ़िया कैसे, मतलब एकदम धूल भरा नहीं होना चाहिए, कुछ इसमें आप जैसा फिनिशिंग लगाते हैं उसको वैसा करना चाहिए, क्योंकि गंदे जगह पर और गंदा एरिया पर कोई भी चाय पी नहीं सकता, आप भी पी नहीं सकते, मैं भी पी नहीं सकता। तो इसीलिए आपको चूज करना है राइट जगह पर चाय का शॉप लगाना है, चाय का ठेले लगाना है और राइट सीटिंग कैपेसिटी रखना है, यानी कि आपको बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है, लकड़ी का जो चेयर है वो भी रख सकते हैं, लोहे का भी रख सकते हैं, लेकिन क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो वो सीटिंग कैपेसिटी बढ़िया होना चाहिए और पब्लिक तो बैठ गया, चाय पीने में कितना लग गया, 5 मिनट, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो उसको और ज़्यादा टाइम तक रोक के रखने के लिए और एक आइडिया बताता हूँ, वो है कि न्यूज़पेपर आइडिया। आपको दो तीन अलग अलग का जो न्यूज़पेपर है वो हर दिन लेके रखना है। कितना लगेगा, बहुत ही कम प्राइस है तो आपको दो तीन न्यूज़पेपर अलग अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ लोग ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब सबका टेस्ट अलग हो सकता है। तो दो तीन न्यूज़पेपर आप रख लीजिए, जब कस्टमर बढ़ेगा तब ऐसा करिए, शुरुआत में एक दो रखेंगे तो सही होगा। तो उसके हिसाब से क्या होगा, कोई ना कोई, हर लोग न्यूज़ के शौकीन है, मतलब पढ़ने को हर लोग चाहते हैं कि हमारा देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है सब कुछ, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से आपका कस्टमर रुक के रहेगा। और एक मज़े की बात है, जितना लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वो पढ़ के चुपचाप निकल नहीं जाएंगे, पढ़ के कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे फिर जाएंगे। तो आपका क्या हुआ, वहीं पर थोड़ा थोड़ा सा कस्टमर जमना चालू हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, इसमें क्या होगा, आपका कस्टमर जितना बैठ सकता है बैठे रहेगा, इवन बैठे नहीं रहेगा तो आपका जितना लोग बढ़ते रहेगा वो बाहर खड़े रह के भी चाय पियेंगे, क्योंकि तब तो आपके पास ऑलरेडी कस्टमर पहुंच गया है। आप क्या करेंगे, आप बताते हैं आपके मुनाफे के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर सिंपल टी बनाएंगे तो टी के साथ कुछ बिस्किट रखिएगा, कुछ स्नैक्स वगैरह रखिएगा, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कुछ नाश्ता हो जाए, क्योंकि हम लोग सब लोग ने पूछा है कि चल चाय नाश्ता कर लेते हैं। आप अगर टी पिलाएंगे तो दूसरे के पास तो नाश्ता करने नहीं जाएगा, आपके पास कुछ हल्का फुल्का रहेगा तो वो कर लेंगे, तो उसका नाश्ता हो गया, उसका टाइम भी बच गया, आपका मुनाफा भी हो गया, एक के साथ दो तीन चीज़ें बेच दिया आपने। अभी इसका जो मुनाफा है कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपने एक चाय का पैकेट ख़रीदा जिसमें उसके बाद दोनों टाइप का चाय बनाइएगा, एक ही चाय के पैकेट से दोनों टाइप का चाय बन जाएगा, जैसे कि लिकर वाले चाय बन जाएगा और जो दूध वाला चाय है वो भी बन जाएगा। तो दोनों टाइप का अलग अलग चाय बना देंगे, उसके बाद आप करेंगे क्या, देखिए एक कप का जो प्राइस है मेरे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 5 रुपया है, कहीं कहीं जगह पर 10 रुपया है, तो आपको बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आप अगर बहुत चाय बनाएंगे तो आपको एक एक कप में 1 रुपया 2 रुपया ही खर्चा आएगा, बाकी का आपका मुनाफा हो गया। 10 रुपये में अगर 2 रुपये खर्चा आया तो आपको 8 रुपये का सीधा सीधा फ़ायदा हो गया। आप अगर 100 कप चाय बेच देंगे दिन का तो आपको डेली का 800 रुपये फ़ायदा हो रहा है, महीने का आपको 24,000-25,000 का फ़ायदा हो जाएगा। धीरे धीरे ये बढ़ते 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 आपको बहुत पैसा मिल सकता है और एक आप लार्ज मॉडल पे जा सकते हो, बहुत बड़े स्केल पे जा सकते हो, इसका आउटलेट भी खोल सकते हो जैसे और भी सारे लोग खोलते हैं। अब बताते हैं इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा।
आप बोलोगे कार्तिक भाई सब बता दिए, अरे ये तो बताइए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। आप 10,000 रुपये लेके भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ 10,000 रुपये में ये बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। 10 से 15,000, 20,000 अलग अलग एरिया का। आप बोलोगे कार्तिक भाई हमारे यहाँ पर जगह का रेंट का तो बहुत ज़्यादा है रेंट, ठीक है, कोई बात नहीं, आप शुरू में ठेले पे करिए, रोड के साइड में ठेले पे करिए, ठीक है। तो आपके लिए सीटिंग का जगह क्या होगा, कुर्सी होगा, प्लास्टिक का 4, 5, 6, 10 चेयर लगा दीजिए प्लास्टिक का, तो आपका क्या हुआ, कुर्सी सीटिंग स्टाइल हो गया और बहुत ही कम खर्चे में आपका धंधा चालू हो गया, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने जो ये मॉडल बताया है, ये मैंने कुछ लोगों के साथ बात करके आपको बताया है, वो लोगों ने ऐसा ही किया है, तो इसके लिए आप भी अगर करेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हाँ एक चीज़ है, आपको चाय बनाना आना चाहिए और चाय बनाने का पसंद होना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नमस्कार दोस्तों।